अगर हमारे एक मारोगे तो हम तुम्हारे चार मारेंगे। मैंने ये भी सुना है इन नेताओं को टोरंट ने इलेक्शन फंड दिया था, कोई माई का लाल अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमको खरीद सके। कार्रवाई रोकी गई थी और महापौर के बंगले पर 5-5 लाख रुपए पहुंचे गए थे। रहा टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे शहर के नेता चाहे जहां हो मगर धीरे धीरे सामने आने लगते हैं, अपनी कामों को गिनाने लगते हैं। चाहे MLA MP का चुनाव हो या फिर नगर सेवक की चुनाव हो, हर लोग दावे पे दावे करने लगते हैं, एक दूसरे पर तोहमत लगाने लगते हैं। ये हमारे देश की परंपरा सी हो गई है। ये हमें और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चुनाव में देखने को मिलता है। अभी नगर सेवक की चुनाव बहुत दूर है मगर राजनीतिक पार्टियां नए नए मुद्दे नए नए वादे पर भरोसा दिलाने का काम करना शुरू कर दी है और आगे भी चलता रहेगा। जो जीता वो सिकंदर, जो नहीं जीता वो घर के अंदर, फिर कोई दूसरी चुनाव की इंतजार में लग जाते हैं। लगना भी चाहिए। बहरहाल आज मुमरा कौसा में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर शहर में एक्टिव हुई है। आने वाली चुनाव जो नगर सेवक का चुनाव है उसके लिए अभी से लोगों को जोड़ने का काम, जमीनी मुद्दे उछालने का काम शुरू कर दी है ताकि आने वाली चुनाव पूरे दमखम से जीत सके। ये तस्वीर है नईम नज़ीर खान के बंगले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का और थाने शहर अध्यक्ष विक्रांत चौहान के साथ में नईम नज़ीर खान की व सैकड़ों पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की आज यहाँ पर पद दिए गए। साथ में वसीम सैयद जो पहले MIM और फिर समाजवादी और कांग्रेस पार्टी में अब पूरे दमखम के साथ पिछले दिनों प्रवेश किए हैं। बहरहाल आज इस पद नियुक्ति का कार्यक्रम में थाने शहर अध्यक्ष विक्रांत चौहान ने आने वाली चुनाव को लेकर क्या कहा है और NCP पार्टी को किस तरह से मीठे शब्दों में निशाना साधा है वो सुनिए और नईम नज़ीर खान ने क्या कहा है वो भी सुनिए। यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं। पहला तो टोरंट का मुद्दा है, कब्रस्तान का मुद्दा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इलीगल बिल्डिंग्स का मुद्दा है। हमारे में मराठी में कहावत है चोरा चा उल्टा बोंबा, कि खुद ही इलीगल बिल्डिंग्स बनवाते हैं, इनके नगर सेवक पैसे खाते हैं यहाँ पे, और इनके माध्यम से मैंने सुना था कि पिछले टाइम महापौर तक को पैसे मिले थे इलीगल बिल्डिंग्स के इसमें। हाँ, एक मिनट, पैसे मिले थे। तो मसले जो है यहाँ पे मुमरा के बहुत सारे मसले हैं, आप देख रहे हो। देखिए यहाँ पे ऐसा है, अभी जिसके वार्ड में इलीगल बिल्डिंग बनती है, आपको मालूम है कौन सा मिल कंपाउंड था वो जहाँ पे बिल्डिंग गिरी थी, बराबर है, जिसके वार्ड में बिल्डिंग बनी थी। अभी मैं भी नगर सेवक हूँ, मेरे वार्ड में क्यों नहीं इलीगल बिल्डिंग बनती, क्योंकि मेरे को मुझे कोई आस नहीं है। तो जिसके वार्ड में बनती है वो तो नगर सेवक उतना ही जिम्मेदार है। उसका नेता जिम्मेदार है, महापौर जिम्मेदार है। पिछली बार भी मैंने सुना 2012-13 में दीवा में कार्रवाई रोकी गई थी और महापौर के बंगले पर 5-5 लाख रुपए पहुंचे गए थे, ऐसे मैंने सुना है। तो ये जिम्मेदार कौन है, ये कौन बना रहा है? तो ये चोरा चा उल्टा बम्बा खुद ही ये करने का और बाद में सेटलमेंट करने का, ये अभी तुड़वाने को लगाने का, ये सब नाटकपंची है। ये अधिकारी ये लोग ही भेजते हैं। मैं क्या बोलता हूँ कि जो पब्लिक है यहाँ पे बिल्डिंगें होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंगें होनी चाहिए। ठीक है, इलीगलिटी थोड़ी सी रहती है वही मत, लेकिन क्या है जो आवाज़ उठाता है यहाँ पे उसके आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, वो अभी होगा नहीं। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, अगर हमारे एक मारोगे तो हम तुम्हारे चार मारेंगे, और मुमरा कलवा में मैंने पहले ही कहा या अगले स्टेट हो एकनाथ शिंदे जी का, कि कोई भी एरिया हो वहाँ पे सब जगह पे कांग्रेस का हाथ का पंजा लड़ेगा, इतनी ताकत हम खड़ी कर। यहाँ पे अगले टाइम ऐसे नहीं होगा कि AB फॉर्म पहुँचा नहीं, पैसे लेके AB फॉर्म रुकाए गए थे यहाँ पे लोगों के सामने वाले कैंडिडेट से, ऐसे होगा ना। विक्रांत चौहान बिकाऊ नहीं, कोई माई का लाल अभी तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमको खरीद सके और कांग्रेस को। गाड़ी सरकार है लेकिन कांग्रेस तो कहीं ना कहीं खाना भी नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखो मैंने परसों ही डकार दे दी थी, आपको मालूम है दो मंत्री लोगों को। हाँ। इसके आगे कांग्रेस को नजरअंदाज करोगे तो जमीन पर हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, दोनों रास्ते पर आ जाएंगे, हम पार्टी निकाल लेंगे
आपका सरकार का, और सब रास्ते पर रहेंगे, बीजेपी आएगी, यही पे भी वैसे होगा। अगर सम्मान से आप हमको बुलाओगे यहाँ पे, आप अगर आघाड़ी सरकार, हमारे नेतागण भी हैं, हम राहुल जी तक हमारा टच है, हम राहुल जी को बोलेंगे अगर इज्जत से ये लोग ये कर रहे हैं तो हम करेंगे, अन्यथा हम सभी सीटों पर कांग्रेस का हाथ का पंजा खड़ा करेंगे। मैंने ये भी सुना है इन नेताओं को टोरंट ने इलेक्शन फंड दिया था, इसलिए टोरंट के खिलाफ बात नहीं कर रहे। बोलिए, जो इल्लीगल बिल्डिंग है जिसके वार्ड में बनती है वो नगर सेवक जिम्मेदार है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा भाई है, या चाहे मेरा दुश्मन है, या मेरा सहयोगी पार्टी है। मैं इतना ही कहता हूँ, टोरंट किसके राज में आया, यहाँ पे कौन नेता है, यहाँ पे मंत्रिमंडल में कौन है, और उनके ही लोग मोर्चा निकालते हैं, ये सब नाटक पंची नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर हिम्मत है तो बंद करवाओ टोरंट, मंत्रिमंडल में आप लोग है, टोरंट बंद करवाओ ना। तो ऐसी है कि मेहनत करके, काम करके, और जैसे पहले भी मेहनत की थी वैसे फुल मेहनत करके, जैसे चौहान साहब ने भी बताया, जो इलेक्शन होएगा मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर डबल फिगर में नगर सेवक रहेंगे, ये एक संदेश। सर मेरा एक सवाल और, मैं आपको एक आप ही का सवाल का एक जवाब देना चाहता हूँ। आप जो बता रहे थे ना कि कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग के अंदर विक्रांत चौहान साहब ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने जो वीडियो किया था और ये कहा था, पब्लिक से अपील की थी, क्या जहाँ जहाँ इलीगल बिल्डिंगों का काम चल रहा है वो मेहरबानी करके मेरे को बताएं। लेकिन मैं पब्लिक को उलझन में नहीं डालना चाहता हूँ, उनके नगर सेवकों ने तो नहीं बताया, लेकिन विक्रांत चौहान साहब हमारे नगर सेवक हैं, मैं मेरे आदेश दूंगा ब्लॉक प्रेसिडेंट को का सारी इलीगल बिल्डिंगें जिधर जिधर बन रही हैं और इलीगल काम हुए उसकी लिस्ट इनको दें और विजय मंत्री को दें, और फिर देखें क्या वो काम करते हैं या नहीं करते। नहीं साहब, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रांत चौहान ने क्या कहा आपने सुना, मगर ये सवाल तो पहले बरकरार थी और आज भी बरकरार है। मुमरा में जमीनी मुद्दे बहुत हैं, मगर क्या सिर्फ कहने से काम चलेगा या नहीं, करके दिखाना पड़ेगा। पूरे महाराष्ट्र में बिजली बिलों की गड़बड़ी सामने आई है, मगर कलवा मुमरा में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ी बिलों को लेकर सामने आई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम किसी ने नहीं उठाया है जो आम जनता को राहत मिल सके, उनकी परेशानी दूर हो सके। कांग्रेस पार्टी के ठाणे शहर अध्यक्ष विक्रांत चौहान का दावा है, आने वाला चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और मुमरा कौसा की जो जमीनी मुद्दा है उस पर काम करेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।